देखो विजुअल है सबको। यस ओके, तो ये प्रॉब्लम हम पिछले क्लास में कराए थे, याद होगा सबको? याद सर, है? हाँ, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारा पूछेगा, फिर एक और प्रॉब्लम कराए। कोई भी क्वेश्चन पूछे, देखो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना है, जो भी सपोर्ट होगा उसका रिएक्शन निकालना। यहाँ पे भी देखो रिएक्शन निकाले, पीछे वाले क्वेश्चन में रिएक्शन निकाले, फिर किसी एक जॉइंट को कंसीडर करना है, सारा का सारा मेंबर फोर्स निकालना है। अब जॉइंट को इस तरीके से कंसीडर करना है कि उस पर्टिकुलर जॉइंट पे दो ही अननोन मेंबर फोर्स होना चाहिए, जहां दो से ज्यादा हुआ नहीं निकाल पाओगे। नेक्स्ट, धीरे धीरे निकालते निकालते एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जितना जॉइंट होगा सबको हम निकालते निकालते पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसा भी होगा कि एक एक ज्वाइंट आएगा, उससे कनेक्टेड जो मेंबर आएगा उसका पहले हम मेंबर फोर्स निकाल लिए होंगे, तो ये तो अंडरस्टूड पॉइंट है, क्योंकि सारा का सारा मेंबर बहुत सारे ज्वाइंट से कनेक्टेड होता है, बहुत सारा मेंबर किसी एक पर्टिकुलर ज्वाइंट से भी कनेक्ट हो सकता है। ट्रस्ट में देखे हैं कि हमारा एक ज्वाइंट पे जाके 3 मेंबर, 4 मेंबर, 2 मेंबर, बहुत सारा कनेक्ट रहता है, तो ये तो आएगा ही आएगा, और वो आता ही है। तो अगर एक को पहले निकाल लिए होंगे तो दूसरे में सहूलियत होगा, उसको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो निकालते 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 जैसे देखो निकाले, ए का निकाले, डी का निकाले, आगे जाएंगे निकाल लिए, यहीं से निकाल के सारा का सारा छोटा ट्रस्ट था, इसका वैल्यू हमको आ गया, क्योंकि 8 मार्क्स का ये प्रॉब्लम था। हेलो हेलो, तो यहाँ पे देखो कहाँ तक बता दिए थे कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे निकालते निकालते जाएंगे। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर, ओके ओके, सो धीरे 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 सारा का सारा ज्वाइंट पे जाके मेंबर फोर्स को निकाल के लेके चले आएंगे। सबको निकाल लिए, अब लास्ट जो स्टेप था एनालाइज करना था, तो यहाँ पे देखो जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था उसको मैं लिखा, फिर जो भी हमारा मेंबर फोर्स था इसमें 0 आया था, आई थिंक कोई एक बच्चा उमंग था, वो पूछा कि सर एफ बी में कैसे 0 आया, उसको निकाल के बता दिए थे 0 कैसे आया। तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, इसका मतलब ना टेंसाइल ना कंप्रेसिव मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इसमें भी 0 आ गया तो अच्छी बात है, इसमें भी 0 आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, जब 0 ही आ रहे तो क्या कर सकते हैं। इसमें 10 किलो न्यूटन तुम्हारा कंप्रेसिव आया, देखो 2 आर्ट्स तो ज्वाइंट दिखा दिया, इसको ज्वाइंट की तरफ 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव आ रहा था। और यहाँ पे देखो एफ कौन सा है, बी डी है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है -10 किलो न्यूटन आया था, इसका मतलब ये इसको टेंसाइल मान के चला होगा, इसीलिए रिजल्ट निगेटिव आया, तो इसको कंप्रेसिव कंसिडर कर लिया, तो कंप्रेसिव की तरफ इसको दिखा दिया। अब तुम्हारा देखो एफ ए डी ये टेंसाइल आ रहा था, इसलिए इसको 7.07 किलो न्यूटन दिखा दिया। तो खत्म हो गया मेथड ऑफ ज्वाइंट, खत्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन पूछे, सिंपल ट्रस, कंपाउंड ट्रस का कुछ भी पूछे, तो ये सारा का सारा सिंपल ट्रस है, इसी में 2-4 ट्रस को और जोड़ दे, अगर क्वेश्चन 20 नंबर का हो जाए, 15 नंबर का हो जाए, तो इसमें एक ट्रस को ऐसे जोड़ सकता है, फिर इसमें एक ट्रस को ऐसे जोड़ सकता है, फिर इसमें तुम्हारे सपोर्ट को दे देगा और पूछ देगा कि बता दो सारा का सारा मेंबर फोर्स। सो दिस इज अ टाइप ऑफ योर कंपाउंड ट्रस, सो यू हैव टू फाइंड द मेंबर फोर्सेस इन दिस टाइप ऑफ ट्रस। सो किसी को कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट खत्म हो गया। अपर्णा रिपीट कर दो क्या क्या सीखे इसमें मेथड ऑफ ज्वाइंट में, क्योंकि आई थिंक तुम ही सारा का सारा कैंसर बताए हो। सो मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम लोग ये देखे कि हम लोग पहले सपोर्ट को कंसिडर करते हैं, सपोर्ट को कंसिडर करके पहले पहले रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम लोग स्टार्टिंग उस जॉइंट से करते हैं जहाँ मैक्सिमम दो फोर्सेस अननोन हो, उससे ज्यादा अननोन नहीं होने चाहिए वरना दिक्कत होगा निकालने में। देन आफ्टर ऐसे ही करके प्रोसीड करते जाएंगे, फिर आगे और दूसरा जॉइंट ढूंढेंगे जिसमें मैक्सिमम दो ही अननोन हो, और ऐसे करके धीरे धीरे सारे फोर्सेस फाइंड आउट हो जाएंगे सर। फिर फाइंड आउट होने के फिर बाद फाइनली हम लोग उसका एक नो फिर हम लोग लास्ट में उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सारे फोर्सेस को लिख देंगे, कितने फोर्स निकले, उसके मैग्नीट्यूड और उसका
फोर्स का क्या कहते हैं उसको, उसका बिहेवियर जो है कंप्रेसिव या टेंसाइल उसके अकॉर्डिंग, फिर फाइनली उसका फिगर बना के आप जैसे बताएं कि फिगर में डायरेक्शन देके अगर कंप्रेसिव है तो टुवर्ड्स द जॉइंट, और अगर टेंसाइल है तो अवे फ्रॉम द जॉइंट, और उसका मैग्नीट्यूड लिख के फिर फाइनल फिगर शो कर देंगे। ओके ओके चलो सही, तुम सब कुछ समझ चुके हो इसलिए आगे अब चलते हैं। एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीरो फोर्स मेंबर। तो और सबसे पूछ लेते हैं, कोई है? यस नीतीश, समझ में आ गया? सोनू तुम लोगों को? सर एक डाउट है सर, पर थोड़ा पूछ लो डाउट। सर हम लोग वर्टिकल फोर्सेस सब एक करते हैं, तो जो हम लोग जो जितना वर्टिकल फोर्स का टोटल उस पॉइंट पर जोड़ते हैं ना सर, हम लोग उस इक्वल टू जीरो करते हैं। पता नहीं चला, फिर से धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो। एक्चुअली मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए दिक्कत हो रहा है। हाँ तुम कुछ बोले कि सर मेरा एक ज्वाइंट है उस पर वर्टिकल फोर्सेस लग रहा है तो उसमें नेट फोर्सेस जीरो लेंगे, ऐसा कुछ बोले। जैसे कि सर हम लोग पिछला क्वेश्चन आप दिए थे ना सर, सर आप पिछला एक क्वेश्चन दिए थे सर जिसमें उमंग का आंसर कुछ गलत आ रहा था सर, उसका आंसर -6.15 हो सकता है क्या सर? डी पॉइंट पर जो निकालने को बोल रहे सर, FDC देख लेते हैं क्या बोले, तो क्वेश्चन भी है। मेंबर फोर्स अब पता नहीं, लेकिन जो रिएक्शन का बात करोगे FAD और FA वो तो सही आना चाहिए। अब क्या बात करो इसमें बताओ, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? ये नहीं सर, एक और क्वेश्चन दिए थे शुरू में, क्वेश्चन ही तो सबसे शुरू में दिए थे, एक और क्वेश्चन था तुम्हारा वो 2 किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन वाला, उसमें हाँ सर वही वाला। तो एक मिनट, उसका सर हम लोग का रिएक्शन आया था 3.33 और 2.67 इस समय डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कुछ भी तो नहीं है, मेथड ऑफ सेक्शन आगे चलते हैं। नहीं सर आप उमंग का जो आंसर आया था सर वो मेरा भी वही आंसर आया था, तो आप बोले थे गलत है आंसर, तो इसलिए बोल रहे थे। उनको पता नहीं, तुम ही लोग तो आंसर बताए थे कि सर ये आ रहा है, तो उसी को तो मान कर चले थे, 2.67 और कुछ ऐसा बताए थे 3.33। अब जो बताए थे तुम लोग कि आरए पे कितना आ रहा है, नहीं रिएक्शन सही था वो, क्या तो रिएक्शन ही सर फोर्सेस सर जो एफ। अच्छा रुको, क्या दिक्कत हो रहा है? So here I think this is your question. बी सी ये था, डी ये था तुम्हारा, ई ये था तुम्हारा एफ। तो कैलकुलेट डेट सर आर ए इज इक्वल टू, आर ए का कितना आया था वैल्यू कुछ बताया थे तुम लोग, कुछ कितना आया था आर ए का वैल्यू? आर ए का वैल्यू तो सर 2.67 किलो न्यूटन, और आरडी का वैल्यू था कितना था? 3.33। हाँ क्योंकि ऊपर से 2 और 4 आ रहा था, 6 आ रहा था, तो 6 नीचे से भी तो जाएगा, तो यहाँ पे आके तुम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे था 2 किलो न्यूटन, 2 और यहाँ पे था 4। अब बच्चे का डाउट आया कि सर उमंग कुछ आंसर बताया था,
इसका सर एफ डीसी का वैल्यू समथिंग कुछ -6 समथिंग कुछ आ रहा था। ओके ओके जस्ट वेट करो देखते हैं। 3.33 ये था डी पॉइंट, यहाँ से निकाल दो। मेरा मन किया टेंसाई लेने का, ले लिए एफ डी। देखो एक ज्वाइंट का लास्ट बार हम बता दे रहे हैं, बस इसी को फोकस तुम लोग करते रहे क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें बताने लायक। सो बस एक बार और फोकस करो यहाँ पे तुम लोग, ऐसे ही सारे के सारे ज्वाइंट हमको निकालना है। एफ डी सी एफ डी सी, पता था 2 मीटर था ये, 2 मीटर दिस इज 2 मीटर दिस इज 2 मीटर, तो यहाँ पे एंगल आ गया 45 डिग्री। ठीक है दिस इज 45 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव टू रिजॉल्व, दिस इंक्लाइंड फोर्स यहाँ पे आ जाएगा एफ डी सी, दिस इज एफ डी सी साइन थीटा। एफ डी सी साइन 45 और हियर वी हैव एफ डी सी कॉस 45 45। अब क्या दिक्कत आ रहा है, अब बताओ हो गया यहाँ तक, अब बताओ क्या दिक्कत आ रहा है सर। एफडीसी का आंसर -6 समथिंग सर। ठीक 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 हम चलते हैं आगे, चलते हैं एफडीसी का आंसर, बस यही करना है। समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. So what we do? Here we write force FDC sine 45 plus कितना आएगा? बोलते चलो, बताओ 3.33 3.33 बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों का दोनों मेरा प्यारा प्लस। सो हियर आई एम राइटिंग दैट एफ डी सी FDC sine 45 sine 45 is equal to -3.33 ठीक है। अब F DC sin 45 का मान आता है 1/√2, तो FDC into 1/√2 1/√2 is equal to -3.33. Next, here coming. So here I get F DC is equal to -3.33 into √2. So what is the value coming on? कितना आंसर आ रहा है इसका
4.70 आप बताओ क्या कुछ बता रहे थे, 6 point something something उमंग का आंसर आ रहा था, तुम्हारा भी आ रहा था, सब देखो यहाँ पे माइनस सर। लेकिन हाँ बोलो सर, शुरू में हम लोग इतना ही था पर प्लस में हम लोग माइनस कंसीडर नहीं किए, थोड़ा सा गलत था सर हम लोग। कहाँ पे, यहाँ पे माइनस कंसीडर नहीं किए थे? हाँ सर, ये इधर हम लोग मिस्टेक हो गया सर वहाँ पे। कैसे काम चलेगा बताओ, ये तो क्लास 6 में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 काटकूट कैसे ही करते थे हम लोग। अब x प्लस वाई इक्वल टू 5 था तो x हो जाएगा इक्वल टू सर, 5 माइनस वाई करते थे। हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलो ठीक है, सुधार करो। नेक्स्ट हियर इट इज शोइंग दैट माइनस 4.70, जैसे ही एफडीसी माइनस में आया हम क्या मान के चले थे, एफडीसी मेरा ऊपर जा रहा है, मतलब हम सारा का सारा जो भी मेरा एनालिसिस था वो था मेरा टेंसाइल का। सो यहाँ पे टेंसाइल ओरिजिन नहीं है, कॉम्प्रेसिव जाएगा, दैट मीन्स फोर्स इन डी सी, हियर आई एम कैलकुलेटिंग दैट फोर्स इन डी सी कम्स आउट टू बी व्हाट द वैल्यू कम्स आउट टू बी कंप्रेसिव, सो ये टुवर्ड्स द ज्वाइंट जाएगा, एफ टी सी कैलकुलेट करने का शो करना है 4.70 किलो, दिस इज 4.70 किलोमीटर। नेक्स्ट सॉल्व समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, कर लो एक्स डायरेक्शन में बता दिए इतना तो और बता देते हैं थोड़ा। ये था, अब तुम्हारे पास इधर कुछ नहीं है, दोनों का दोनों इधर ही आ रहा है, तो एफ डी ई प्लस एफ डी सी कॉस 45 यहाँ पे इसको इरेज करने दो, तो ये कम्स आउट टू बी एफ डी ई प्लस एफ डी सी कॉस 45 डी सी कॉस 45 कॉस 45 सर माइनस, सर माइनस एफ डी सी होगा ना सर, एफ डी सी तो कंप्रेसिव निकल गया ना डायरेक्शन। एक मिनट अभी आते हैं, आते हैं आते हैं आते हैं, क्या आया क्या नहीं आया बस। हाँ अब क्या आया क्या नहीं आया, सो यहाँ से देखो, सबसे पहले तो हमको फोर्स इन नेक्स्ट डायरेक्शन इक्वल टू जीरो करना था, तो हम देखे इधर ही मेरे दोनों के दोनों डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ही एफ डी सी डी ई भी है और एफ डी सी कॉस 45 भी है, तो दो जो मेरा वैल्यू था उसको हम लिख लिए। अब हमको पता है कि यहाँ पे मेरा एफ डी सी का वैल्यू कुछ आया है 4.70 कुछ आया, तो उसको देखते हैं अभी क्या आया है सर। अब फिर अब देखो यहाँ पे एफ डी सी कॉस 45 इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, यहाँ भी तुम एफ डी सी कॉस 45 या फिर एफ डी सी को तुम टेंसाइल मान के चले हो जो कि ओरिजिनल में तुम कंप्रेसिव आ रहा है, सो हियर अपना सही बोले कि सर यहाँ पे भी माइनस कर ले क्या, तो कर सकती है, एक स्टेप घटाना चाहती है तो घटा ले, और आगे चलते चलते हैं ताकि तुम लोग को भी समझ में आ जाए, माइनस प्लस का भी झमेला हो रहा है, तो देखते चलो। इज इक्वल टू माइनस एफ डी सी कॉस 45 डिग्री कॉस, सर वैसे भी अगर वैल्यू डालेंगे तो भी तो मेरा सर वही बात हो जाएगा ना सर, क्या एफ डी सी का भी अगर वैल्यू डालेंगे सर माइनस 4.70 तो यहाँ पे माइनस 4.70 डाल दोगे कहाँ पे, यहाँ पे एफ डी सी की जगह पे सर, और कॉस 45 का वैल्यू कॉस 45 का डाल दोगे, हाँ तो वही बात हो जाएगा, तो बोले क्या हम बोले हम इसको बस इधर लेके चले आए ताकि तुमको यहाँ पे जब मिस्टेक कर रहे थे एफ डी सी साइन 45 इज इक्वल टू माइनस 3.33 तो एक स्टेप और लेके चले आए, इससे पहले हम क्या बोले
अपर्णा बोली कि सर यहाँ पे भी तो हम माइनस करके निकाल सकते हैं। तुम क्या बोले कि हाँ वो एक स्टेप अगर घटाना चाहती है तो यहीं पे डायरेक्ट वो माइनस कर ले, क्योंकि तो उसको पता चल गया कि मेरा एफडीसी cos 45 इधर जाएगा, तो एफडी इधर जा रहा था, वो एफडीई प्लस प्लस वाला साइन इधर, और ये माइनस कर ली, FDC cos 45 = 0। फिर FDE इधर बच गया, FDC cos 45 करके, FDC का वैल्यू उसको 4.70 किलो न्यूटन पता ही है, अपना निकाल लेगी। ठीक है, समझ में यस आया? और यहाँ पे जो भी तुम्हारा FDE का सर, यस सर, वैल्यू आएगा, FDE का वैल्यू आएगा वो देखो तो तुमको पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे FDDC का वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा माइनस में यहाँ पे डालोगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि तुम तो टेंसाइल मान के चल रहे थे, यहाँ से यहाँ तक तो टेंसाइल मान के हैं, क्योंकि यहाँ पे जब तुम प्लस किए तो इधर आओगे तो तुमको ऑटोमेटिक, तुम जो क्लास 6 और क्लास 7 वाला जो रिजल्ट जानते थे, तो प्लस जो भी मेरा फोर्स था, क्योंकि हमको तो अभी यहाँ से पता किए, यहाँ से तो पहले पता कर लिए, अगर हम पहले एक्स एक्स डायरेक्शन यहाँ निकालते, फिर वाई डायरेक्शन का बाद में निकालते, तो एक डायरेक्शन में निकाल के यहाँ तो रुक जाते, क्योंकि हमारे पास FDC का वैल्यू नहीं पता था, फिर उसके बाद हम वाई डायरेक्शन का निकालने लगते। ऐसा थोड़ी था कि हम फोर्स इन वाई डायरेक्शन का ही पहले निकालना स्टार्ट करते, जैसे हम पहले निकालना स्टार्ट किए, हो सकता था कोई बच्चा यहाँ से फोर्स इन एक्स डायरेक्शन उसका आदत हो, पहले एक्स का निकालता वाई का, फिर यहाँ पे जाकर स्टक करता, फिर साइड में जाकर वाई का निकाल कर फिर वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता, लेकिन जब तक तू नहीं निकालता तब तक के तो यहाँ पे वो लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल पढ़ा होगा, तो यहाँ पे तो आकर रुकेगा FDE = -FDC cos 45°, क्योंकि वो तो यहाँ पे इसको टेंसाइल मान के जब सबसे पहले एफ एक्स को कंसिडर किया था, तो बाद में जब वो एफ वाई जब टेंसाइल मान के ही निकाल रहा था, तब तो उसका रिजल्ट आया यहाँ पे माइनस में, तो माइनस में आ गया तो उसको पता चल गया कि माइनस तो ओरिजिनल है ही नहीं, ये तो ऐसे ही था, एक्चुअली कंप्रेसिव है। फिर हम सॉल्व करने के लिए आए, तो या तो पहले ही अगर हम सॉल्व करना बाद में एफ एक्स का स्टार्ट करें तो पहले ही माइनस कर लेंगे, या फिर अगर बाद में अगर निकालना शुरू करेंगे, अगर पहले निकालेंगे तो यहाँ तक स्टेप आएंगे, फिर जो मन करे तो यहाँ पे वैल्यू अपना जो मेरा आया सब पुट करेंगे और निकाल देंगे, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव का वैल्यू आएगा और आई थिंक FD का कुछ वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव का वो बिना टेंसाइल रहेगा, सो अवे फ्रॉम द ज्वाइंट होगा, तो यहाँ पे हम इसको अवे फ्रॉम ज्वाइंट, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos 45 1/√2। सो FDC कितना वैल्यू था, 4.70, 4.70 यही वैल्यू हुआ है FDC का into 1/√2। सो जब 4.70 को √2 से डिवाइड कर दोगे तो कुछ अपना एक वैल्यू है, कितना वैल्यू आ रहा है बता दो। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट, 3.33 किलो न्यूटन। ओके, सो यहाँ पे आ गया 3.33 किलो न्यूटन, 3.33 किलो न्यूटन। निकल गया मेरा यहाँ पे, दो मेंबर फोर्स निकल गया। अब इसको भी मान सकते हैं, क्यों ई पॉइंट को मानेंगे तो एक यही अननोन है, एक ये अननोन है, और एक मेंबर फोर्स हम निकाल ही लिए, इसको भी अपना निकाल सकते हैं, एक डी के बाद निकालने का ई पे भी आ सकते हैं, हम ई का निकाल लेंगे, फिर ई को निकालने के बाद हम कहाँ चले जाए, मन क्या सी पे चले जाने का, चले जाते हैं, देखते हैं क्या क्या निकल गया, ये तो ऑटोमेटिक निकल गया, ये भी इसका निकल गया, दो तो निकल गया इसका, क्योंकि ये डी और ई को माने पहले ही निकल गया, ये इसका बचा, इसका बचा, दो ही अननोन था, दोनों को निकालेंगे, फिर सी को कंसिडर करके निकालेंगे। सो आई थिंक अपना ये से स्टार्ट की थी, तुम और उमंग डी से स्टार्ट किए थे, तब पर भी तो आ जाएंगे अपने रिजल्ट पे, फिर जो भी रिजल्ट आया उसको लिखेंगे, फिर सारा का सारा रिजल्ट को लिखने के बाद जो भी हमारा पॉजिटिव निगेटिव आएगा उसको हम रिपोर्ट करते चले जाएंगे। दूसरा चीज, पूरे के पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बाद या फिर जो भी टॉपिक तुम पढ़ोगे और स्ट्रक्चर एनालिसिस में, आँख कान दिमाग सब चलना चाहिए, क्योंकि अगर निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा तो टेंसाइल का कंप्रेसिव हो जाएगा। दूसरा चीज, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा तो तुम्हारा रिएक्शन पूरा उल्टा आ जाएगा, जैसे ही रिएक्शन तुम्हारा पूरा उल्टा आ जाएगा, और सबसे बेसिक स्टेप यही है कि हमको रिएक्शन निकालना है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर एनालिसिस में या फिर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जब बनाते थे, तो जब रिएक्शन ही गलत आ गया, आर ए का वैल्यू 7 आना चाहिए, आर ए का वैल्यू 4 आ गया, खत्म कहानी वहीं से खत्म, कुछ भी नहीं कर सकते हो, भले ही सब कुछ जानते हैं। अब जैसे कि तुमको भी पता चल गया, आई थिंक कौन हो, नीतीश, हाँ नीतीश, तो नीतीश तुमको भी पता यस है कि सर, सर सर हम हमको यही करना है कि हमको सबसे फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन निकाल लेना है, रिएक्शन निकालने के बाद किसी ऐसे ज्वाइंट को चूज करना है जहां से दो अननोन मेंबर फोर्स जाते हो,
अब दो अननोन मेंबर फोर्स ही जाते हो, उसी ज्वाइंट को हमको चूज करना है, तीन वाले को नहीं करना है, चार वाले को नहीं, मिनिमम मैक्सिमम दो ही, दोनों को निकालेंगे, फिर आगे ज्वाइंट पे जाएंगे, फिर जाएंगे, सारा का सारा चीज पता है, फिर सबको निकाल के अंतिम में अपना एनालिसिस करने के लिए बोला, क्वेश्चन में लिखा एनालाइज द ट्रस्ट, सो एनालिसिस करने के लिए बोला, तो फिर हम जो भी कंप्रेसिव है और जो भी टेंसाइल है उसको हम लोग जो है अपना मेंबर पे रिपोर्ट कर देंगे, सब कुछ पता है, लेकिन जहाँ यहाँ गड़बड़ हो गया, एफ डी सी साइन 45 इज इक्वल टू प्लस 3.33, यहाँ से जैसा ही आंसर लेके आओगे तो प्लस 6.66 लेके आ जाओगे, और अगर रूट टू के बजाय टू से गुना कर दोगे तो यहाँ पे देखो फिर 6.66 कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान रखना ये सब प्रॉब्लम है, आँख कान दिमाग सब खोल के बनाना चाहिए, ठीक है, आगे चले। यस सर, यस सर, ओके, नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट इज योर, so just wait, this is your method of section, see this question, find forces in member BC, so here only in this question it is asked that you have to find forces in member BC, so in this member, in this member, in this BC member you have to find out the member forces, so in this type of question here it is written that find forces in member BC, if in question it is written that find member forces in, find member forces in CD or find member forces in ED, find member forces in EC and so on, so in this type of question you just solve the question by using method of section, so here just see this all relevant point regarding your method of section, so first point method of section, so this method is used for determinate truss, so it is obvious point that this method is used for your determinate truss, also your method of joint is used for determinate truss, this method is suitable when forces is to be determined in a particular specified member, so if the member is specified then you have only option to choose method of section, but if someone is saying कि सर अगर हमारा मेथड ऑफ ज्वाइंट उसमें नहीं लगेगा क्या, लगाओ मेथड ऑफ ज्वाइंट भी लगाओ उससे भी तुम्हारा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर तुमको उस मेंबर पे निकालना होगा तो हो सकता है कि वहां पे जो मेंबर हो, जैसे यहाँ पे देखो सर, ये जो हमारा मेंबर था कौन सा, बीसी मेंबर था, इसको निकालने के लिए अगर बी पॉइंट को चूज करेंगे तो यहाँ 1 2 3, यहाँ चूज करेंगे 1 2 3, सी पॉइंट को चूज करेंगे तो 1 2 3, हमारा तीन तीन रिएक्शन यहाँ से या फिर तीन तीन मेंबर फोर्सेस निकल रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं, हम ज्वाइंट से भी निकाल सकते हैं, सेक्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेक्शन को हम लोग वहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे हमको किसी पार्टिकुलर मेंबर के लिए पूछ दे तो निकालेंगे, कोई बात नहीं, देखो और क्या पॉइंट है, बस जो भी पॉइंट है रिलेवेंट पॉइंट है उसको ध्यान रखना, कैसे कैसे चलना है आगे, कैसे कैसे है उसको देख, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट, सो सेक्शन शुड डिवाइड द ट्रस्ट इन टू पार्ट्स, सो यू जस्ट डिवाइड द ट्रस्ट और यू कट द सेक्शन of truss in such a manner that
यू डिवाइड दैट ट्रस्ट इन टू इक्वल पार्ट. सो हियर आई एम सेइंग दैट हियर आई कट अ सेक्शन. सो आई हैव अ चॉइस और आई हैव अ हियर इन दिस प्रॉब्लम आई हैव अ चॉइस टू फाइंड द मेंबर फोर्सेस इन बीसी. सो आई ओनली कट इन दिस मैनर. सो इफ यू सी हियर आई डू नॉट कट दिस ट्रस्ट in two part because here this joint is connected with this portion also and this joint is connected with this portion also. So it looks like ये पूरा का पूरा जो है part ये E से connected तो रहेगा ही, E point से connected तो रहेगा ही, यहाँ पे connected रहेगा E point से. बस ये होगा कि ये अपना पूरा नीचे आके इसके नीचे आके लटक जाएगा, फिर यहाँ से कट गया ये इससे नीचे आके लटक गया. सो लटकाना नहीं है, पूरा का पूरा उसको काट के अलग कर देना है. और काट के ऐसे अलग करना है कि जो भी हमारा ट्रस हो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए. तो सेक्शन शुड डिवाइड द ट्रस इनटू टू पार्ट. सो हियर इट इज क्लियरली सीन दैट आवर ट्रस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे ये नहीं कट हो पाए, यहाँ पे हो गया ये. जैसे कि देखो यहाँ पे इस पोर्शन को कंसिडर करो, वेट यू कंसिडर दिस पोर्सन, ये पोर्सन पूरा का पूरा कट के अलग हो गया. तो बोलेगा सर ऐसा दिखेगा क्या? बोलेगा हाँ दिखेगा, क्योंकि तो काट के ही अलग कर दिए हैं. बोले सर ये मेरा ऐसे दिख रहा है, अलग कर दिए इसको, कर दो अलग, अलग करना ही है. ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया सर. ये बी था, दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट. नेक्स्ट बोलेगा सर अब इधर इधर भी ऐसे आ जाएगा, ये भी तो कट गया, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखेगा क्या? अगर इधर वाले फेस को देखे तो इधर जो काट के दिखाएं इसको, ऐसा दिखेगा क्या? यस सर. ओके नेक्स्ट बोलेगा कि सर राइट पोर्शन इसका ऐसा दिख रहा है, कैसा? ऐसा देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है, ऐसा फिर ऐसा फिर थोड़ा सा ऐसा ऐसा. ठीक है दिखने दो, काट के अलग किए हैं तो ऐसे काट के अलग कर देना है. ट्रस को दो भाग में काट देना है. तो ध्यान रखना मेथड ऑफ सेक्शन में बी कट द सेक्शन फॉर ट्रस इन सच अ मैनर दैट द सेक्शन विल डिवाइड द ट्रस इन टू पार्ट्स. हियर आई एम नॉट सेइंग दैट टू इक्वल पार्ट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट टू इक्वल पार्ट्स. बस दो भाग में काटना चाहिए, इक्वल काटे ना काटे, आधा काटे, थोड़ा काट ले, कुछ भी काटे, लेकिन काटे दो भाग में काट के रखना. ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे काटना. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट सेक्शन शुड नॉट कट मोर देन थ्री मेंबर्स बिकॉज वी हैव ओनली थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर सॉल्विंग अननोन्स. सो हियर इट इज क्लियरली रिटन दैट वी हैव एनालाइज ओनली डिटरमिनेट ट्रस बाय मेथड ऑफ सेक्शन. सो एक बात और ध्यान रखना, हमारा कुछ भी हो कैसे भी काटो सेक्शन ट्रस को दो भाग में काटो, लेकिन ध्यान रखना तीन से ज़्यादा मेंबर हमारा कट नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम अपने ट्रस को ऐसे काट दे और चार पांच मेंबर को काट दे. कोई बोला कि सर ऐसे काट देते हैं यहाँ पे, तो बोला कि सर ऐसे काट दिए ट्रस को, ये भी तो दो भाग में बट गया. देखो यहाँ पे एक मेंबर कटा ए बी, एक मेंबर कटा बी, एक मेंबर कटा ई सी, एक मेंबर कट गया सी डी. ऐसे काटना ही नहीं है, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही है, हमारा बेसिक एम ही है या फिर रूल ही है कि हमको कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन मेंबर ही हमारा कट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तीन ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है. सो रिमेंबर दिस टू पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज यू हैव टू कट सेक्शन इन सच अ मैनर दैट इट डिवाइड द ट्रस इन टू इक्वल पार्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट यू कट द सेक्शन इन सच अ मैनर दैट maximum three members will be cut by that particular sections because we have only three equilibrium equation for solving unknowns. So इस बात का भी ध्यान रखना, maximum तीन member forces को या फिर तीन जो हो member उसको काटे मेरा section. खत्म हो गया, आगे चलते हैं, यही दो main point था. Next section should be cut in a manner that all the members which is cut by section do not meet a common point. So you remember this point also, that section
सेक्शन शुड बी कट इन अ मैनर, सेक्शन शुड बी कट इन अ मैनर दैट ऑल द मेंबर्स व्हिच इज कटिंग बाय सेक्शन डू नॉट मीट एट अ कॉमन पॉइंट। सेक्शन को ऐसे काट देना है कि हमारा जो भी मेंबर हो वो हमारा किसी एक कॉमन पॉइंट पे जाके नहीं मीट कर रहा हो। मतलब सेक्शन शुड नॉट बी कट इन अ मैनर दैट ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स मतलब कौन सा मेंबर, हमारा जो भी तीन मेंबर है वो ऐसा नहीं हो कि हमारे किसी एक पार्टिकुलर जॉइंट पे हमारे जाके मिल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे ऐसे काट दिए, हो सकता है बहुत सारा हमारा मेंबर यहाँ पे आके मीट कर रहा होगा, यहाँ पे आके ऐसे स्ट्रेट, हियर अ मेंबर इज मीटिंग, हियर अ मेंबर इज मीटिंग ऑल्सो फ्रॉम हियर अ मेंबर इज मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारा तीन ही मेंबर कट होना चाहिए, और जो भी हमारा मेंबर कट हुआ उस पार्टिकुलर सेक्शन से, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वो सारा का सारा मेंबर कट होने के बाद हमारे एक कॉमन पॉइंट पे मीट हो। आफ्टर कटिंग द सेक्शन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सो वी हैव इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, आइदर राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन ऑफ द सेक्शन, द मेंबर इन व्हिच मेंबर फोर्स रिक्वायर्ड मस्ट कट बाय द सेक्शन। तीसरा पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि हमको उस मेंबर को तो जरूर ही जरूर काटना है जिससे जिसके बारे में हमको मेंबर फोर्स निकालने के लिए पूछा है। सो सी दिस क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन, see this question, this question is find forces in member BC, BC member में force पूछा और उस member को तुमको काटना ही है जिसके बारे जिससे हमें force पूछा, BC से पूछा, काट दिए, यहाँ से काटे तीन member को, एक member, दो member, तीन member, तो बोलेगा कि सर ऐसे काटने का मन कर रहा है, कैसे सर ऐसे काट दे क्या, काट दो यहाँ से भी तो सर BC कट गया, BE कट गया और हमारा AE ही कटा, बोले काट दो तुम इधर वाले का एनालिसिस कर लो या फिर इधर वाले का एनालिसिस कर लो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। हम ऐसे काट के देखे थे, ऐसे पहले से काट के रखे थे, ऐसे इसको ब्लैक वाले से ऐसे काट के रखे थे, या तो इस पोर्शन को पकड़ लो या फिर इस पोर्शन को पकड़ लो, अपना इसका एनालिसिस करके दे दो। यहाँ पे देखो 10 kN लोड पहले ही से क्वेश्चन में दे रखा था, सो हम यहाँ पे रिएक्शन निकाले आर ए आर डी, फाइंड रिएक्शन स्टेप वन, फिर कट द ट्रस इन टू पार्ट्स, cutting only three members, taking the member in which force is needed, सबको मान लिए, right portion को लेके पूरा का पूरा analysis करके निकाल दिए, देखो इतना छोटा भी मेरा answer आ गया, FBC is equal to -5 kN compressive, समझ में आया सबको? Yes sir. Okay, so I think in next week